हम जो हमारी स्टैटिक जीके वाली सीरीज थी ना उसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें लेकिन हम जो प्रीवियस ईयर में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना जनरल अवेयरनेस के, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके इनकमिंग एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली लोकेटेड। तो साइलेंट वैली कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, केरला में, ठीक है। और विच इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन आपको पता होनी चाहिए, जो 0 डिग्री होता है वो आपकी ग्रीनविच से निकलती है और उसके ऑपोजिट में ही होती है, मतलब वो जो 180 डिग्री का सर्कल पूरा करती है, तो यहाँ पे आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आपको मिलेगी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द मेन कॉज ऑफ सुनामी, सुनामी का मेन कॉज क्या होता है, जो अर्थक्वेक होता है वही उसका मेन कॉज होता है, लेकिन वो जो अर्थक्वेक होता है ना वो सी फ्लोर पे होता है, तो तभी सुनामी जो है वो आपकी रिवर्स में या फिर सी ओशियन में आपको देखने को, वहाँ से ही देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे मेन लॉजिक आपका यहीं पे ही होता है अर्थक्वेक में, ठीक है, अर्थक्वेक से। ओके, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लखनऊ में यूपी में आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर बाय द प्रेजिडेंट वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी पूछे जाते हैं, DPSP कहाँ से लिया गया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से लिए गए। तो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो जो है राज्यसभा में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने सेलेक्ट कर सकता है और लोकसभा में कितने सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलो मैं ये बता देती हूँ, राज्यसभा में जो ये सेलेक्ट कर सकता है वो 12 है और जो लोकसभा में वो 2 सेलेक्ट करता है, ठीक है। और वैसे ये नॉमिनेशंस की बात चल रही है, ठीक है, तो नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। द कंसेप्ट ऑफ सॉवरन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, तो सॉवरन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से ही लिया गया है, ठीक है, यूके से, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट ही थी, ठीक है, तो हमारा भी जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए का है और हमारा जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और सॉवरन पार्लियामेंट सिस्टम जो है वो हमने इंग्लैंड से ही बोरो किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट, इसका जो मतलब हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है, तेलंगाना में, ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इजी क्वेश्चन, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्हें आर्किटेक्ट बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किसने बोला था, हु सेड दैट इंडिया सो लिव इन द विलेजेस, तो ये बहुत पॉपुलर लाइन है महात्मा गांधी जी की, तो ये भी आप याद रखेंगे। वट वॉज द नेम ऑफ द न्यूज़ पेपर एडिटेड बाई गांधी जी टिल 1933, तो यंग इंडिया, इनकी जो फेमस न्यूज़पेपर है, ठीक है, उन्हें एडिट किया था गांधी जी द्वारा 1933 में, ठीक है। उसके बाद हु स्टार्टेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। उसके बाद, और ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये कहाँ पे की थी, ठीक है, कहाँ पे की थी ये फाउंड, और ये भी बताइएगा कि कौन सा सन था वो, ठीक है, ये दोनों बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं बता दूं, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे, आपको नहीं पता है तो आप जाके देखेंगे उसे, तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशन वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिशर्स, तो किन किन रेवोल्यूशनरीज को एग्जीक्यूट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, तो ये जिस भी क्वेश्चन में आया होगा तो उसमें कुछ और भी नाम दिए गए होंगे, तो उसमें राजगुरु भी होगा, वैसे आपको ये याद रखना है, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को दिया था ना, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तो उसमें ये राजगुरु होगा ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज मोती मस्जिद सिचुएटेड, तो मोती मस्जिद कहाँ पर सिचुएटेड है, आगरा में, और ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिलीव्स ऑफ द बुद्धिज्म, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरोस, बिल्कुल बोला था बुद्धिज्म में ये बोला गया है कि जो पूरा संसार है वो दुखों से भरा हुआ है। पीपल सफ़र ऑन अकाउंट ऑफ डिज़ायर, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर डिज़ायर ही खत्म हो जाएंगी तो दुख भी खत्म हो जाएंगे। और तीसरा है इफ़ डिज़ायर आर कॉन्कर्ड निर्वाना विल बी अटेंड, और डिज़ायर अगर हम प्राप्त कर ले तो निर्वाणा हमें मिल जाता है, तो ये भी सही है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज, तो ये नहीं सही है, क्योंकि बुद्धिज़्म में, मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था कि बुद्धिज़्म में बुद्धा जो है वो गॉड के ऊपर, जब उनसे पूछा गया कि गॉड या सोल प्रेजेंट होती है, तो वो चुप रहे थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था कि हाँ वो बिलीव करते हैं या नहीं करते। तो और जैनिज़्म में तो उन्होंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया था कि नहीं वो नहीं मानते, ठीक है। तो इसमें ये वाली बात रॉन्ग हो जाती है, तो ए बी एंड सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, तो फ्रेश वेजिटेबल जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, और विटामिन ई जो होता है वो आपका आलमंड्स वगैरह में भी होता है, ठीक है। ब्यूटी विटामिन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। विटामिन ई की जो एक कैप्सूल्स भी आते हैं वो ब्यूटी के लिए होते हैं, ठीक है, ठीके? तो इसलिए ये फ्रेश वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और पेनिसिलिन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम, तो ये भी आपको याद रखना है, फंगी ही है, ठीक है। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो 206 बोन्स होती हैं। उसके बाद बाइल जो सिक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कौन से, मतलब ऑर्गन है जिसके थ्रू होता है, तो लीवर वो ऑर्गन है जहाँ से बाइल जो है वो सिक्रीट होता है। उसके बाद चलते हैं आगे, तो हमारे पास 19 क्वेश्चन है। नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड, ऐसा विटामिन जो एनिमल फूड में नहीं पाया जाता, जैसे मीट वगैरह में, आप नॉन वेज में बोल सकते हैं। तो विटामिन सी जो है वो आपको सारे फ्रूट से ही मिलेंगे, ठीक है, जैसे सिट्रिक जो एसिड होता है, ठीक है, जैसे कि नींबू हो गया, लेमन, ऑरेंजेस वगैरह हो गए, विटामिन सी ये सारे फ्रूट से मिलते हैं, ना कि एनिमल फूड से मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारा, लीवर ही है। और ये भी हमने देखा था कि बाइल जो सिक्रेट होता है वो लीवर से ही होता है, तो दोनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। विच टाइप ऑफ द मिरर इज़ यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेडलाइट्स में पूछा गया है, व्हीकल के हेडलाइट्स में कौन सा मिरर यूज होता है, तो ये कनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और एक क्वेश्चन मैं एडिशन में आपसे पूछना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, जो डेंटिस्ट जो है यूज करते हैं दांतों को, मतलब क्लोजअप देखने के लिए, तो वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और जो हेडलाइट्स हैं याद रखना है, व्हीकल्स में हेडलाइट्स जो है उसमें कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। उसके बाद इन्होंने पूछा है द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, कितने किलोमीटर की है वो, 36,000 किलोमीटर की। तो याद रखें जियो स्टेशनरी जो अपनी जगह पर स्थिर रह के अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, तो उसकी हाइट जो है वो अर्थ सर्फेस से 36,000 किलोमीटर की है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और हमें आज 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं। एंड इलेक्ट्रिक आयरन जो है हैज़ अ हीटिंग एलिमेंट, वो किस चीज़ से बना होता है, याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है प्लस जो आपके पास वो हीटर होता है, ठीक है, उसमें निक्रोम की जो है वो वायरिंग होती है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होते हैं, इसीलिए ज़्यादा भी करंट आने के कारण वो जलता नहीं है। इसलिए याद रखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट जो होता है, मतलब जो वो तार यूज़ की जाती है, वो निक्रोम की होती है, ठीक है। उसके बाद द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू सन, नियरेस्ट के बिल्कुल पास में, नियरेस्ट टू सन मतलब सन के पास में सबसे कौन सा ग्रह है, वो मरकरी मिलेगा आपको, ठीक है, आपको ये पता भी होना चाहिए, जो है पहले मरकरी, वीनस एंड देन अर्थ, क्योंकि अर्थ हमारी थर्ड नंबर पे आती है, याद रखिएगा, और यहाँ पे सन होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो मरकरी है वो सबसे नियरेस्ट है, ओके। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ द कवरिंग वाटर पाइप्स मेड ऑफ आयरन विद जिंक लेयर टू प्रिवेंट द करोजन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन, ये मैंने जो साइंस की वीडियोज़ है उसमें ये कवर किया था, मतलब जब मैं आपको पूरी एनसीईआरटीज मैंने पढ़ाई है ना, अभी कंटिन्यू चल रही है वो सीरीज़, ठीक है, पर ये वाला चैप्टर हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, आयरन वाला, रस्टिंग वाला, और रस्टिंग की पूरी उसमें वो भी बताई थी मैंने
प्रोसेस भी बताई थी कि किन किन चीज़ों से होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि ऑक्सीजन एंड वाटर की प्रेजेंस में ही रस्टिंग होती है और ये दो एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी है रस्टिंग होने के लिए, ठीक है। और रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है और इस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाली भी जाके देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है, साइंस की जो एनसीईआरटी हैं, ठीक है। द नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, द पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ द यूरेनियम फिजन, यूरेनियम फिजन जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किए जाते हैं, तो उनके प्रोसेस में जो पार्टिकल रिक्वायर्ड होता है वो न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, और प्रोटॉन पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। और ये यूरेनियम फिजन की प्रोसेस में जो है वो पार्टिकल जो यूज़ होता है वो न्यूट्रॉन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू इंक्रीज द एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेट्रोल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, टेट्राइथाइल लेड, ठीक है, लेड का जो सिंबल होता है वो PB होता है। उसके बाद द चीफ सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के लिए जो मेन सोर्स होता है वो अमोनिया ही होता है, NH3, ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव, तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है उनके बीच में वैक्यूम ट्यूब्स नहीं होती, आपने भी देखा होगा आजकल LCD LED जी पतली पतली सी आ रही है ना, पहले आपने देखा होगा पीछे जो TV भी होते थे वो काफ़ी पीछे से बड़े से होते थे, ठीक है, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब्स नहीं होती हैं। वेयर डज़ अ कंप्यूटर ऐड कंपेयर और शफर डाटा, तो ये कहाँ पे होता है, ये CPU चिप में होता है। क्या चीज़ होती है यहाँ पे CPU चिप में, शफलिंग ऑफ डाटा, कंपेयरिंग ऑफ डाटा और एडिशन, जो भी हम ऐड करते हैं, तो वो सारा कुछ CPU चिप में होता है, ठीक है। द इंडियन वूमेन रिसेंटली इंस्क्राइब्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये उस टाइम का बताया गया क्योंकि रिसेंटली जिस टाइम पे ये पेपर हुआ होगा, तो ये भी आप याद रख लीजिए कि जंतर मंतर ऑफ जयपुर को जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा कि जंतर मंतर ऑफ जयपुर को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। येन किसकी करेंसी है, तो आपको करेंसीज वगैरह और कैपिटल वगैरह ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के भी पता होने चाहिए, तो येन जो है वो जापान की करेंसी है। नासिक कहाँ पर सिचुएटेड है, मीन्स कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है, तो गोदावरी पर, ठीक है, महाराष्ट्र में। उसके बाद नासिक महाराष्ट्र में ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सरफेस टू मिसाइल, सरफेस टू एयर, मतलब जो सरफेस से छोड़ी गई है और एयर में हवा में छोड़ी जाने वाली मिसाइल का नाम त्रिशूल, ये भी उनमें से कुछ ऑप्शन दिए होंगे ABCD, उसमें से त्रिशूल इसका आंसर होगा। तो आपको ये याद रखना है बेसिकली जो त्रिशूल है वो एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेहरू ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट किस गेम से रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। ओडिसी क्लासिकल डांस जो है वो कहाँ पे जो है ओरिजिनेट हुआ था, वो ओडिशा में ही ओरिजिनेट हुआ था, सीधा सीधा इसके नाम से ही पता चल रहा है। अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था, कोलंबस ने डिस्कवर किया था और ये स्पेन का था। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग जीके के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फेमस पेंटिंग जो मोनालिसा की है उनके जो क्रिएटर हैं वो कौन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी और सबको पता भी होना चाहिए। इसके पीछे बहुत मतलब लंबी कहानी है, मीन्स इसको किसने बनाया तो पता ही है, लियोनार्डो दा विंची ने, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई है। मोनालिसा की जो पिक्चर है आप जाके देखिएगा, और इसको काफ़ी मतलब फ्रांस में ये रखी हुई है पेरिस में म्यूज़ियम में, और इसको काफ़ी सारी प्रोटेक्शन दी हुई है, और इसके ऊपर मतलब ये जो पेंटिंग है इसके ऊपर काफ़ी सारे अटैक्स भी हुए हैं, ठीक है। तो कभी डिस्कस किया तो इसके बारे में पूरा बताऊंगी, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द 7 इंपॉर्टेंट सीज, वो कौन है जो 7 इंपॉर्टेंट सीज को पहली वुमेन जो स्विम करके गई, उसका नाम है बूला चौधरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमने जाना है 40th पर, एक मिनट, कहाँ पे थे हम, यहाँ पर, ठीक है। तो इंसुलिन किसने डिस्कवर किया था, ये भी आप याद रखेंगे, एफ बेंटिंग ने इंसुलिन को डिस्कवर किया था। रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्टियम 90 कॉजेज, तो ये क्या कॉज करता है, ये स्किन कैंसर कॉज करता है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। एस से भी ये शुरू होता है और ये भी एस से ही शुरू होता है, ठीक है। जो भी रेडियो एक्टिव चीज़ें होती हैं वो कैंसर प्रोड्यूसिंग होती हैं, लेकिन इसमें ये पूछा गया तो ये बेसिकली स्किन कैंसर
को प्रोड्यूस करता है। शिवपुरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट किस किस चीज़ के लिए, पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए शिवपुरी नेशनल पार्क है कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, तो मध्य प्रदेश में है और ये चीतल और लियोपार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर फेमस आप बोल सकते हैं। डेसीबल किससे रिलेटेड है, डेसीबल एक यूनिट है साउंड को नापने के लिए, तो ये आप याद रखेंगे। वन महोत्सव किस चीज़ से इंपॉर्टेंट है, वन का मतलब ही यही होता है पेड़ पौधे या फिर मतलब वन फॉरेस्ट होता है ना वैसे तो फॉरेस्ट में क्या होता है प्लांट्स वगैरह ही होते हैं, तो वन महोत्सव किससे रिलेटेड है, पहली बात तो आपको पता होगा प्लांट्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये भी आपको पता नहीं चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स की यहाँ बात की जाती है, ठीक है। तो वन महोत्सव एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन्स फ्रॉम द अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, जैसे स्कूल की टर्म होती है ना, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसने सेकंड क्लास में जाना है, तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी एजुकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास वो अप्रैल से शुरू होगी, मार्च तक चलेगी, मार्च में ही आपके पेपर होते थे। उसी तरीके से जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है ना ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी अप्रैल टू मार्च ही चलता है, ये आप बात ध्यान रखेंगे और इसी एग्जांपल से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ के ऊपर जो ग्रेड मार्क किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एग मार्क मतलब किसके द्वारा किस चीज़ का किया जाता है, तो एग मार्क लगे होते हैं एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, द फूड स्टॉक्स दैट आर बिल्ड ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द बम्पर हार्वेस्ट आर कॉल्ड द ग्रेन स्टॉक, तो उन चीज़ों को ग्रेन स्टॉक बोलते हैं जो कि बम्पर हार्वेस्ट ईयर में बिल्ड किए जाते हैं फूड स्टॉक, ठीक है, तो उन्हें ग्रेन स्टॉक बोलते हैं। मिनिमम वेज एक्ट जो था पहली बार इंडिया में कब पास किया गया था, तो 1948 में मिनिमम वेज एक्ट फर्स्ट टाइम जो है वो पास किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वेजेस जैसे कई बार जितनी जिसकी बनती है वो नहीं मिल पाती, तो मिनिमम वेज एक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टाइम इंडिया में 1948 में आपका पास किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये मुल्हा उल हक द्वारा बनाया गया था, ठीक है, ये पाकिस्तान के थे इन्होंने, और जो अमृता सेन है हमारे हमारी कंट्री के थे तो उनका भी योगदान था, लेकिन जो डेवलप किया था वो इनके नाम पे ही माना जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स जो है वो इन्होंने बनाया था। क्रॉप सोन सून आफ्टर द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया इज कॉल्ड द खरीफ, तो ऐसी क्रॉप ऐसी फसल जो साउथ वेस्ट मानसून के एकदम बाद ही सोन की जाती है वो खरीफ होती है, ठीक है। तो खरीफ का एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे राइस हो गया, ठीक है, ये सभी आप को पते होनी चाहिए। तो ये तो थे आज के 50th क्वेश्चन जो कि पुराने प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं और आगे वाले पेपर्स में भी ये पूछे जाने के चांसेस हैं, तो इन्हें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।